हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि bitpsc.com को फ़ोन से ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। जब आप इसको फ़ोन पे लॉगिन करेंगे तो इसको ऑपरेट करना उतना ही आसान है जितना ऐप के थ्रू ऑपरेट करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे bitpsc.com को टाइप करना है। टाइप करते ही आपको जो पेज ओपन होगा उसमें लॉगिन करना है और अपना मेल आईडी और पासवर्ड देना है। पासवर्ड क्लिक करते ही जब आप साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी पूछेगा। ये ओटीपी आपके मेल आईडी पे भी जाएगा और ये ओटीपी आपके नंबर पे भी जाएगा जो आपने रजिस्टर्ड किया है। किसी भी एक जगह की ओटीपी को आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको पेज ओपन हुआ है, ये पेज आपका ट्रेडिंग पेज है, MTG INR पेयर। हम सारे पॉइंट पे बात करते हैं और पहला पॉइंट आपका मिलता है माई अकाउंट का। माई अकाउंट में पहले आता है आपका प्रोफाइल, आपके जितने भी पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कंट्री क्या है, मेल आईडी, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग पेज का। ट्रेडिंग पेज में सबसे पहले आता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको मिल जाएगा कि कितने पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4 पेयर आपको सामने दिख रहा है, INR, USDT, BTC और MTG पेयर में। तो जिस पेयर में आपको ट्रेडिंग करनी है उस पेयर में आप क्लिक करेंगे और जो आपका फेवरेट क्वाइन है उस क्वाइन में क्लिक करेंगे। जैसे INR पे 4th नंबर पे MTG पेयर है और हमने MTG पेयर पे क्लिक किया। फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है ये MTG का चार्ट दिख रहा है। इसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है ऑर्डर बुक का, जहाँ पे सेल और बाई ऑर्डर लगे हुए। इसी के जस्ट नीचे आपको ओपन ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ साथ हिस्टोरिकल ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यही पेज पे आपको सेल और बाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी है इसको ऑपरेट करना। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि स्टेकिंग ऑप्शन में क्या है। अब आपके पास आपके bitBSC में भी आपके फेवरेट कॉइन को स्टेकिंग करने की ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपका जो भी फेवरेट कॉइन है उसको सुरक्षित रखना आप चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिले उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली या टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आप bitBSC में उसको स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन और 365 दिन की स्टेकिंग करना। तो जैसा भी आप इंटरेस्ट चाहते हैं उस हिसाब से आप स्टेकिंग कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से आपके अपने फेवरेट bitBSC एक्सचेंज पर अपने कॉइन की स्टेकिंग से एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री इट मींस स्टेकिंग हिस्ट्री। इससे किसी भी कॉइन की आप स्टेकिंग करते हैं bitBSC पे तो हिस्ट्री आपको यहां से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉलेट का। वॉलेट में जैसे कि पोर्टफोलियो वॉलेट क्या है आपका, INR वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, स्टेकिंग वॉलेट, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और अकाउंट स्टेटमेंट, हर तरीके का रिपोर्ट आप यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो में देखते हैं, जिसका मतलब है कि टोटल आपके पास INR और क्रिप्टो क्या है उसका रिकॉर्ड आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड ऑप्शन में हम INR वॉलेट में जाते हैं, आपने क्या डिपॉजिट किया है, क्या विड्रॉ किया है, क्या डिपॉजिट और विड्रॉ करना है आपको यहीं से ऑपरेट करना है। इसी के बाद देखते हैं क्रिप्टो वॉलेट में। क्रिप्टो वॉलेट में भी डिपॉजिट विड्रॉ आप इसी कॉलम से करेंगे, इसी पेज से करेंगे, और आपने कितना डिपॉजिट या विड्रॉ किया है, किस क्वाइन को किया है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको रेफरेंस से कितना रिवॉर्ड मिला है, उस रिवॉर्ड का टोटल क्लेम आप यहां देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद का जो ऑप्शन है उसमें है रेफरर, यानी कि आपका रेफरर लिंक और रेफरर कोड, जिसके थ्रू आप लोगों को रेफर करेंगे जो आपसे कनेक्ट होंगे और 3 लेवल का इनकम आप ले सकेंगे। इसी के बाद एक मेन इशू आता है, अगर आपको के पास कभी bitBSC से रिलेटेड या एक्सचेंज से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है या कोई कंप्लेन होता है तो आपको सपोर्ट पे जाके टिकट रेस करना होता है। तो यही लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट का, जिसको क्लिक करके आपको सबमिट अ रिपोर्ट में जाना है और सबमिट अ रिपोर्ट में अपना पूरा डिटेल फिल करना है। आपका मेल आईडी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप लिखना चाहें अपनी क्वेरी को यहाँ पे लिख सकते हैं और टिकट को सबमिट कर देंगे। आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा मेल पे और जल्द से जल्दी वो रिक्वेस्ट जो आपने किया है वो कंप्लीट किया जाएगा सपोर्ट टीम के द्वारा। तो ये इजी स्टेप फॉलो करके आप बहुत ही आसान तरीके से bitBSC के एक्सचेंज को ऑपरेट कर सकते हैं और कमाल की ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने फेवरेट क्वाइन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास बाहर किसी और एक्सचेंज पे भी क्वाइन है तो उस क्वाइन को यहाँ पे डिपॉजिट करके आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अपने bitBSC एक्सचेंज में वो क्वाइन सुरक्षित भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी आप प्राप्त करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो का पूरी तरीके से लाभ उठाइए।